नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी ने अयोध्या में होने जा रहे कार्यक्रम को मोदी आरएसएस का बताया फंक्शन। राहुल बोले, आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को इलेक्शन फ्लेवर दे दिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसी वजह से वहां पर जाने से किया इनकार। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का करते हैं सत्कार, कांग्रेस से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। इंटरनेशनल डंकी नेटवर्क से जुड़े 9 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 26 पासपोर्ट, नकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और वर्क परमिट किए बरामद। पुलिस के मुताबिक ये सिंडिकेट बांग्लादेश में आम लोगों को यूरोप जाकर काम करने और पैसा कमाने का लालच देकर अवैध रूप से लाते थे भारत। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के 18 राज्यों में घने कोहरे से जीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी के कारण हवाई और रेल यात्राएं हुई प्रभावित। दिल्ली में 30 से ज्यादा फ्लाइटें भी हुई रद्द। जल जीवन मिशन घोटाले केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारा छापा। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने सुबह 5 बजे जयपुर, बांसवाड़ समेत कई जिलों में स्थित उनके ठिकानों पर खंगाले दस्तावेज। घंटों चली छापेमारी के दौरान तैनात रहा भारी पुलिस बल। खालिस्तानी समर्थक व सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख आतंकी पन्नू ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को मारने की दी धमकी। पन्नू ने वीडियो जारी कर पंजाब के गैंगस्टरों को उनसे संपर्क करने के लिए कहा। पन्नू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन माहौल खराब करने की भी दी धमकी। पन्नू ने वीडियो में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने वाले पंजाब पुलिस के प्रयासों को बताया गलत। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय व एशियन गेम में विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में कार्यक्रम किया गया आयोजित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 33.83 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ियों को वितरित की। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने राशि मिलने पर सीएम भगवंत मान का जताया आभार। बठिंडा में एक हफ्ते में करीब 100 पशुओं की मौत बनी चिंता का विषय। इन्फेक्शन और बढ़ती ठंड बताया जा रहा पशुओं की मौत का कारण। फिलहाल डॉक्टरों की टीम मौत के कारणों का लगा रही पता। वहीं पशुओं की लगातार हो रही मौत से पशुपालक काफी परेशान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। जिले के भट्टू खंड में कनाडा से लौटे युवक में स्वाइन फ्लू के मिले लक्षण। 22 वर्षीय युवक को इलाज के लिए हिसार में करवाया गया भर्ती। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही स्वाइन फ्लू को लेकर जारी कर चुका है एडवाइजर। हरियाणा में अधिकतर जिलों में रात से ही छाया कोहरा। कई शहर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात हुए खराब। 10 मीटर तक रही विजिबिलिटी। महेंद्रगढ़ में 0.7 दर्ज किया गया तापमान। वहीं मौसम विभाग ने 14 शहरों में ठंड कोहरे को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया झटका। हाईकोर्ट ने सरकार के अनुसूचित जाति कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर लगाई रोक। कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु व जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी डेट की तय। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।